हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिफिनिटी टेरोस। एक स्वेट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। गाइस, तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो इस फुल मून में तो मैं रक्षाबंधन मना नहीं पाई, तो यहाँ पे मैंने पूजा करवा दिया, ठीक है, और भगवान जी सत्यनारायण जी की पूजा की और लक्ष्मी जी की पूजा की। तो बहुत ज़्यादा मन हल्का हुआ। कल मैं गई थी, उससे पहले मैंने तो आपका सारे रीडिंग्स रेडी करके फिर मैंने एकदम तैयारी करके, ऐसा है नहीं होता है कि हाँ अनटिल एंड अनलेस मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाऊँ तब तो मैं नहीं कर पाती वो रीडिंग, वो बहुत ही रेयर है, ठीक है। आप लोगों के ब्लेसिंग से मैं रिकवर भी हो जाती हूँ। दूसरा है कि अगर इस तरह से भी है मैं करके फिर अपना काम करती हूँ, क्योंकि आप लोग भी वेट करते रहते हो वीडियोज़ के लिए, सो आई नेवर मिस, चाहे वो 5 वीडियो हो, चाहे वो 4 वीडियो हो, चाहे वो 3 वीडियोज़ हो, दैट डज़ नॉट मैटर, बट मैं रेडी करके एटलीस्ट जाती हूँ ताकि आप लोगों का डेफिनेटली कोई भी आप इफ़ेक्ट ना हो मतलब इससे। सो कल भी मैंने करके ही गई थी। तो इस तरह से जो है ना, हर जो ओकेशन से आप लोगों को सेलिब्रेट करने चाहिए, चाहे आप खुद करो या किसी मंदिर मस्जिद जाके करो या चर्च में जाके करो, लेकिन उससे क्या होता है ना, इफ़ यू आर इन स्पिरिचुअलिटी ना, तो क्या होता है ना, आपका मन जो है ना हल्का हो जाता है, यू फील लाइटर लाइक अ फेदर, इस तरह से है। तो इसीलिए इसी का इम्पोर्टेंस होता है, ये जो पूजा अनुष्ठान, ठीक है, लोग पर्व मनाते हैं, जो भी है जिसका जो इम्पोर्टेंट डे होता है, उसीलिए बनाया गया है ताकि आप बेटर फील करो, रिलैक्स फील करो, लोगों के साथ बात करो तो हल्का हो जाओगे आप, रिफ्रेश हो जाओगे। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो है नेक्स्ट 15 डेज आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीडिंग है। सो ऑफकोर्स यहाँ पे हम देखेंगे पर्सनल लाइफ भी, प्रोफेशनल लाइफ भी, करियर भी, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है एंड जेंडर न्यूट्रल है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, बट दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। ये टाइमलेस होगा इसीलिए कि जब से आप देखोगे तभी से वो वैलिड होगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे हम और भी डेक्स का यूज़ करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि आपके जो करंट सिचुएशन है वो क्या है, ठीक है, वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में करंट किस तरह से हालात चल रहे हैं, क्या सिचुएशन है, क्या हालात है उनके। ओके, सो दिस इज़ द नेचर, दिस इज़ द टू ऑफ कप्स, यहाँ पे है एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ऑल राइट, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ वैंड्स एंड द मून। तो आप लोगों को मुझे यहाँ पे आपके जो करेंट सिचुएशन में बोल रहे, अभी तक मैं नेक्स्ट 15 डेज का रीडिंग शुरू ही करने वाली हूँ, पहले सिर्फ सुन लो गाइस। यहाँ पे है कि ये जो है ना, आप कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, मकर राशि हो सकते हैं, 2 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली। देखो, पहली बात तो है और 5 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनुराशि। यहाँ पे है पाइशिस। अगर कोई साइन नहीं आया कोई बात नहीं, क्योंकि हम फिर से डेक्स को शफल करेंगे, ठीक है। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपका करियर की बात हम करें या पर्सनल लाइफ की बात करें, आप मेहनत जितना कर रहे हो अपने करियर के लिए, आप फोकस कर रहे हो स्टडीज़ में या अपने जो काम आपके व्यवसाय है, ठीक है, चाहे वो आप फ्रीलांसर क्यों ना हो, चाहे आप कोई जगह पे पार्ट टाइम क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप फुल टाइम वर्क क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप एक स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहे आप आर्टिस्ट क्यों ना हो, जितना आप मेहनत कर रहे हो उतना सफलता शायद आपके हिसाब से प्राप्ति आपको नहीं हो रहा है, लेकिन आप अटेंशन बहुत ज़्यादा दे रहे हो, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि कुछ काम में, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हो कि शायद आपको खाने पीने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत प्रेशर है, घर में आके काम, ऑफिस में आके, ऑफिस में जाके फिर बहुत काम, ठीक है, लोगों के साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है, इस तरह से। अगर हम आपके पर्सनल लाइफ को बोले
तो बेसिकली इस तरह से है कि कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, रिसेंटली आप किसी से मिले हो बट यू आर स्टिल नॉट श्योर कि ये इंसान जो है आपके सोलमेट है या नहीं। दूसरा है कि हो सकता है कि आप कोई टॉक्सिक कनेक्शन से भी जा रहे हो और जो एक बहुत ज़्यादा पॉइजनस बन चुका है, लेकिन आपको शायद दो ऑप्शन है आपकी ज़िंदगी में और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए राइट है। आपको हमेशा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं शायद आपसे बहुत कुछ चीज़ छुपा भी रहे हैं, ठीक है। आप बहुत कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और रिसेंटली भी आपने बहुत ज़्यादा रिचुअल्स किए होंगे, किसी ने मुझे यहाँ पे दिख रहा है रिचुअल्स किए होंगे। आपके फील्ड जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे शामिल है ड्यू टू मे बी अट्रैक्टिव जॉब या सैलरी, ठीक है। हो सकता है पोजिशन के पाने के लिए बहुत सारे लोग उस जॉब को हासिल करने के लिए बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कुछ लोगों का अटेंशन अपने पढ़ाई से या अपने काम काज से हट के कुछ एंटरटेनमेंट की ओर ज़रूर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आपके एग्ज़ाम्स सामने हैं, अगर आपके कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम सामने हैं या आपको कुछ असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स दिया गया है, उसका डेडलाइन दिया गया है, तो प्लीज़ उसको कंप्लीट करें, ठीक है। हालात आपके इस तरह से है कि आप अपने मॉम को, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनसे शायद बहुत अच्छा से आप बात कर रहे हो और हाँ ऑफ कोर्स लोग करते हैं, लेकिन शायद आप बहुत कुछ स्पेशल सीक्रेट बातें ना अपने मॉम के साथ शायद शेयर कर रहे हो और उनसे आप सलाह पर मतलब जो भी है एडवाइसेस है उनसे ले रहे हो या मॉम जैसे कोई हो सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि आप मतलब इस तरह से ना कभी कभी इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, हताश हो जाते हो कि आपको लगता है कि काश एक ऐसे इंसान मेरी ज़िंदगी में आ जाता या आ जाती जो मैं उनसे थोड़ा बात भी शेयर कर लेती तो अच्छा हो जाता ना। हर देखो हर एक चीज़ ना आप मम्मी पापा को बोल सकते हो, हर एक चीज़ ना अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हो। कुछ ऐसे रिलेशनशिप है जो एक फिक्स्ड होता है, पड़ोसी के साथ अलग सा रिलेशनशिप होता है हमारा, फिर हमारे रिलेटिव्स के साथ अलग होता है, मम्मी पापा के साथ अलग होता है, अगर भाई बहन है तो अलग होता है, लेकिन जो जीवन साथी होते हैं जो हमारे लाइफ लॉन्ग पार्टनर होते हैं उनके साथ कुछ खास ही हमारा रिलेशनशिप होता है। तो ऐसा आप कुछ चीज़ है जो मिस कर रहे हो, कुछ आदत है, किसी किसी का यहाँ पे एडिक्शन है तो आपको लग रहा है कि कैसे मैं उसको त्याग करूँ। देखो एडिक्शन मतलब ऐसा नहीं होता है हमेशा कि स्मोकिंग ड्रिंकिंग, नो नो सब्सटेंस अब्यूज़ नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ आदतें हैं आपको खुद लगता है इसको वर्जित करना चाहिए बट आप कर नहीं पा रहे हो। अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज में ऐसा क्या खास होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट था जो मैं नहीं बोली, मतलब भूल गई। 15 इंपॉर्टेंट है, दैट इज 6। देखो 15 मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट 15 डेज में क्या होने वाला है, यहाँ पे 15 कार्ड आया था। 2 है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, 8 है और 5 है और 18 है, दैट इज 9। सो 5 एंड 8 इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। 55, 88 इस तरह से कुछ रिपीटेड नंबर्स आपको दिख सकता है। नाउ इज द मेन पार्ट ऑफ द रीडिंग कि नेक्स्ट 15 डेज में आपके ज़िंदगी में क्या खास होने वाला है, क्या खास होने वाला है, एस ऑफ वैंड्स होने वाला है, ओके ऑल राइट। क्या खास होने वाला है, सिक्स ऑफ कप्स होने वाला है। नेक्स्ट 15 डेज में क्या खास होगा, ओके दिस इज अ 7 ऑफ एथेंस, नॉट एन इशू। नाइट ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, ओह 5 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 8 ऑफ वैंड्स। तो 8 15 क्यों, हो सकता है कुछ लोगों के लिए 8 डेज के अंदर कुछ खास आपको मिल ही जाए, ठीक है। ओके रुको, यहाँ पे है एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनुराशि कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो कर्क वृश्चिक मीन राशि, यहाँ पे है एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा कुंभ मिथुन तुला राशि, यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स दैट इज एरीज लियो सजिटेरियस कर्क वृश्चिक मीन राशि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या और मकर राशि। 5 7 1 6 11 कैंसर
कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. देखो बहुत खुशी का मौका डेफिनेटली आएगा कुछ लोगों के लिए. जस्ट अ सेकेंड, मैं मुझे कुछ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन चाहिए. ओके ओके, देखो जो पॉजिटिव चीज़ है मैं आपको पहले बता देती हूँ. देखो 15 डेज के बाद ऐसा कुछ खास हो सकता है कि आप कोई न्यू प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हो, कोई नई शुरुआत हो रहा है. यहाँ पे आप एप्पल्स को देख रहे हो. सो जिस तरह से एप्पल जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव फ्रूट है, बहुत ज़्यादा पोषण देता है राइट हमारे बॉडी को. ऐसा इसलिए बोला जाता है एन एप्पल इन अ डे गिव्स अ डॉक्टर अवे. तो हो सकता है कि आपकी जो कंडीशंस बहुत ज़्यादा वर्स्ट जा रहे थे, बहुत ख़राब जा रहे थे, तो वो वहाँ पे आप देखोगे रोशनी के किरण. ठीक है, यहाँ पे बादल है, ठीक है, यहाँ पे बादल है और आप देख रहे हो यहाँ पे आपको आज़ादगी मिल रहा है. दूसरा चीज़ है यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आया है, एक चंगुल से फंसने का, जो आपका एक मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है जो आपको इंटेंगल करना चाहते हैं. ठीक है, लेकिन आप उससे आज़ादी वहाँ से मिल रहा है, इंडिपेंडेंस दो जगह से मिल रहा है. ठीक है, यहाँ पे मैंने जस्टिफिकेशन इसलिए दिया था कि 7 of Swords and 5 of Pentacles क्यों आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज में. देखो जो भी आपके साथ हुआ था, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे वो लव रिलेटेड इश्यूज हो, बहुत ज़्यादा आपको बॉदर कर रहा था, लेकिन विद द वर्ल्ड कार्ड जिसका जस्टिफिकेशन मैंने यहाँ पे दिया है वो है कि वो एक आपका कार्मिक फेज था, वो एक कंप्लीट होने वाला है कुछ लोगों के लिए. एंड डेफिनेटली आप बहुत ही आज़ादगी महसूस करोगे, रिलीफ महसूस करोगे, स्ट्रेस भी महसूस करोगे कि आपके साथ जो जो घटनाएं हुए थे एक बुरा सपना की तरह आप उसको भूलोगे, भूलने की कोशिश करोगे एंड डेफिनेटली आप इनिशिएटिव लोगे विद द 6 of Cups एंड विद द 8 of Cups. कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली अ रोमांटिक रिलेशनशिप इज कमिंग ऑन द वे. मे बी इस पर्सन को शायद आप जानते हो. मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपके पास्ट लवर है, एक्स लवर है, जो भी है आपके, ये देखो पास्ट लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं जिनके साथ आपने ऑलरेडी सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसके साथ एक नई शुरुआत आप कर रहे हो. मे बी जान पहचान के हो सकते हैं, हो सकता है कुछ दिन आपने उनको देखा, ठीक है, उसके बाद शायद आप लोग अलग अलग सेपरेट सिटी में चले गए, फिर से मुलाकात हुआ, इस तरह से हो सकता है. ऐसा अगर कोई है तो यस इट्स देयर. दूसरा चीज़ है कोई बहुत ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप्स आपके पास आ सकता है या बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव ऑफर आ सकता है, लेकिन आपको उसके लिए सोच समझ के डिसीजन लेना है, ना कि जल्दी जल्दी डिसीजन लेना है. यू हैव टू टेक डिसीजन बाय कैलकुलेशन, मतलब थोड़ा सा मेजरमेंट करके. लोग आके बोल रहे हैं और मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या इन्वेस्ट कर रही हूँ, वो नहीं करना है. ठीक है, आपको देख लेना है, आपको रिव्यू करना है, लोगों का फीडबैक क्या है उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, उसके जानना है. जिस तरह से फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द नेम ऑफ अमेजन, अगर अमेजन में कोई भी प्रोडक्ट लोग खरीदते हैं या मैं खरीदती हूँ, तो मैं पहले रिव्यू देखती हूँ कि इस प्रोडक्ट के बारे में क्या रिव्यू दिया गया है. ज़रूरी नहीं कि हर एक रिव्यू जेन्युइन होते हैं, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी लोग जो है राइट, वो क्या बोल रहे हैं, कितना रेटिंग्स उसको मिल रहा है, खुद वो कैसा दिख रहा है पिक्चर में और खुद वो कितना आ रहा है. ठीक है, उस तरह से आपको थोड़ा सा रिव्यू, मार्केट रिव्यू जैसे बोला जाता है, ठीक है, आपको कर लेना है. देन यू शुड डिसाइड, कोई आके आपको कुछ ऐसा बोल रहा है जो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, फिर तो आप फंस जाओगे ना, समझ में आ रहा है ना. एंड आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट ट्रैप्ड इन एनी सिचुएशन, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर के लिए हो. तो फिर मैनिफेस्टेशन करना और स्पिरिचुअल वीडियोस देखने का क्या मतलब है. अगर आप फंस ही गए हो तो जो आपको मैं बोल रही हूँ वो सुनो, ठीक है, आप सुनते भी हो दैट्स ग्रेट. और कमेंट सेक्शन पे जो मैंने पहले से ही मैं आपको बता रही हूँ वो ज़रूर लिखते हो, वो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, वो ज़रूर लिखे. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कमेंट सेक्शन को देखिएगा, लोग कैसे लिख रहे हैं, आप वैसे ही लिखिएगा. यूनिवर्स डू द बेस्ट इन एवरीवन्स लाइफ. ठीक है, देखो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कोई आपसे इतना ज़्यादा प्यार अगर वो करते थे, ठीक है, लेकिन आप दोनों के बीच में जो दरार हुए हैं, डिफरेंसेस हुए हैं, ठीक है, शायद
फाइनेंशियल सिचुएशन भी एक कारण था, मे बी वो पैसे के लिए कोई और सिटी, स्टेट या कंट्री में चले गए, या दूसरे से उनका शादी हो गया, जो भी मामला है आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके लिए एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है, आपके लिए एक न्यू शुरुआत हो रहा है, जो रिलेशनशिप आपको इतना ज़्यादा एक बैरियर लगना शुरू हो जाए तो वो रिलेशनशिप रिलेशनशिप नहीं रहता है, राइट? तो आपके लिए जब न्यू एसेस, टू एसेस हैव कम, सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू कनेक्शंस कमिंग आफ्टर 15 डेज, ऐसा हो सकता है। एंड ऐसा भी है कि कुछ ऑफर्स आ रहे हैं रिगार्डिंग योर मैरिज प्रपोजल्स, मे बी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स, मैसेजेस, लेटर्स, ईमेल, उस तरह से डॉक्यूमेंट आप साइन कर रहे हो, ठीक है, उस तरह से जा रहे हो अपने वैकेशंस में, इंजॉय कर रहे हो अपनी दुनिया, बच्चों के साथ जा रहे हो नेक्स्ट 15 डेज में, पार्टीज मना रहे हो, सक्सेसफुल पार्टीज, ठीक है, उस तरह से भी हो सकता है। बट विद द 8 of Wands आई फील दैट डेफिनेटली थिंग्स आर कमिंग वेरी मच फास्टर, ठीक है, जो स्लो हमने या आपने एक्सपेक्ट कर दिया ना कि स्लो हो जाता है, वो स्लो नहीं होगा अभी, थिंग्स विल स्टार्ट टू मूव वेरी फास्ट, बहुत, मतलब जिस तरह से होता है ना कि स्पीड पकड़ लेता है गाड़ी हाईवे में, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मैसेजेस आर कमिंग फॉर यू। कुछ लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड होंगे इन डिफरेंट सेक्टर्स, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको जॉब मिल रहा है, ठीक है, चाहे कोई भी पोजिशन में हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी यू आर ट्रैवलिंग थ्रू द डेजर्ट, या कुछ अपने घर नेटिव प्लेस में जा रहे हो, वहाँ पे मज़ा हो रहा है। कुछ लोग फार्म हाउस में पार्टीज रख रहे हैं, किसी फ्रेंड के पार्टीज आप अटेंड कर रहे हो फार्म हाउस में, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से फार्म हाउस निकला, ठीक है, और मौज मस्ती मना रहे हो, लेकिन उसमें से भी आपको अलर्ट रहना है कि कोई आपके विरुद्ध जाके कुछ काम तो नहीं कर रहे हैं, इस तरह से आपको देखना है, ठीक है। अभी हम यहाँ से देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है आफ्टर 15 डेज के लिए, क्या गाइडेंस आ रहा है, लेट मी सी इट्स कमिंग आफ्टर 15 डेज गाइडेंस। नैरो पाथवे एंड फाइंडिंग सेंचुरी ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्पिरिचुअलिटी को आप एक जीवन का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा ज़रूर बनाएं, और आप बनाओगे भी, क्योंकि जो भी धुंधला है, ठीक है, उससे आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है यहाँ से, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मे बी विल बी ट्रैवलिंग बाई फ्लाइट और समथिंग, एंड आप लोग कुछ यूनिक चीज़ें देखोगे, मे बी ट्रैवलिंग करोगे ना, तो टॉल बिल्डिंग्स, पहले ज़माने का जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होता था, उस तरह से आप लोग विजिट करो, मे बी इन अ फॉरेन कंट्री या अपने कंट्री में। नैरो पाथवे ट्रेड थॉटफुली, देखो मैंने आपको बताया था कोई भी ल्यूक्रेटिव ऑफर्स आपके लिए आ रहा है, ठीक है, आपको तो लग रहा है बहुत अच्छा खासा ऑफर है, ओके, बट ये जो पाथवे है बहुत ज़्यादा थिन है, मतलब नैरो है, अगर आप थोड़ा सा भी हिले तो यहाँ से आप गिर सकते हो। तो सोच समझ के हमेशा ही कि जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस इंसान के ऊपर भी इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या वो सही है, वरना आप इस खाई में गिर सकते हो, ठीक है। सो देयर इज़ अ नैरो पाथवे एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। एम्ब्रेसिंग एंथुसियाज्म, तो कहीं ना कहीं पर मैंने आपको बताया था नेक्स्ट 15 डेज में बहुत ही ज़्यादा ट्रिमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन, आपके जो नज़रिया है, आप देखो कितना खुश हो रहे हो आफ्टर द 15 डेज, शाउट टू द हेवंस विद हैप्पीनेस, यस आई एम हैप्पी, आप ऐसा लिख भी सकते हो कमेंट सेक्शन में, यस आई एम हैप्पी, यस आई एम हैप्पी, यस आई एम हैप्पी, आप खुश हो रहे हो, देखो कितना सुंदर फ्लावर टियारास है, इसको देख के मुझे इस तरह से लग रहा है आप अपने पार्टनर के साथ एक आइलैंड पे जा रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं पे बालों पे फूल लगाना, इस तरह से खुशियाँ मनाना, छोटी छोटी खुशियाँ भी खुशियाँ है, ज़रूरी नहीं कि ट्रैवलिंग हो, अपने घर में भी आप कर सकते हो खुशियाँ। अननोन टेरिटरी, बट यहाँ पे मुझे ट्रैवल दिखाई दे रहा है, यू आर एग्जैक्टली वेर यू नीड टू बी, आप जहाँ पे डिजर्व करते हो ना वहाँ पे आप ज़रूर पहुँचोगे, ज़रूर पहुँचोगे, ओके। वाओ, लास्ट गाइडेंस कार्ड फॉर यू
ऐसा गाइडेंस कार्ड देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चला आया है। डीप नोइंग, देखो कुछ भी आप काम कर रहे हो उसमें काफ़ी ज़्यादा 43 नंबर इज इम्पॉर्टेंट या 43-34, आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा ज्ञान अर्जित होगा और आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप कुछ रिश्ते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था द मून कार्ड था वहाँ पे, ओके द मून कार्ड वहाँ पे आया था, मतलब वहाँ से कुछ अनजाना था, अननोन था, उस जगह पे जाके यहाँ पे देखो ना, अब देखो अननोन टेरिटरी और यहाँ पे है डीप नोइंग, मतलब यू आर एग्जैक्टली वेर यू नीड टू बी। आपको जो कन्फ्यूजन हो रहा था कि मुझे कौन सा रास्ते में जाना है, जो मेजॉरिटी जो व्यूअर्स है, ठीक है, वो इस तरह से ही बोलते हैं कि कहाँ जाना है, क्या करना है, तो नेक्स्ट 15 डेज के बाद इस तरह से मुझे लग रहा है आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा ताकत होगा, स्ट्रेंथ होगा, नॉलेज होगा, आपको पता चल जाएगा क्लियरली कि कौन सा रास्ता को चुनना है और कौन सा रास्ता को वर्जित करना है अपने जीवन से, ठीक है। सो दिस इज़ वेयर आई एम एंडिंग द रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरोसिक्स, वेयर ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस। प्लीज डू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन।